दिस इज माय करवा चौथ लुक फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो है 12:30 बजे का टाइम है और मधु मेरे को लगा रही है मेहंदी इस वक्त, नींद से सबके बुरे हाल है। और साई के पापा ये देखिए सो गए हैं। सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई फ्रेंड्स अभी सुबह के 4 बजे का टाइम है और मैं नहा धो के आ गई हूँ बिकॉज आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आपको मेरी और मेरे चैनल की तरफ से करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ब्लॉग किस उपलक्ष्य पे है, तो आपको पता ही है कि करवा चौथ है, तो जो जो कुछ मैं भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं आपको बाहर का थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस टाइम कैसा अंधेरा है बाहर, ठीक है। तो मैं खोल देती हूँ दरवाज़ा फ्रेंड्स, ठीक है। तो भाई फ्रेंड्स बाहर का नज़ारा देखिए, पूरी तरह से अंधेरा है फ्रेंड्स बाहर अभी, क्योंकि सिर्फ 4 बजे हुई अभी, ठीक है। बाहर तो पूरा अंधेरा है आपको पता ही है, तो क्या बताऊँ मैं बाहर। तो चलिए फटाफट से, टाइम कम है तो मैं फटाफट से फैन वगैरह खा लेती हूँ क्योंकि शगुन तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो भाई फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी सरगी खाने, खैर हमारे तो सरगी नहीं बोलते हैं हम, मैं तो बस फैनी खाने आ गई थी। तो सुबह सुबह यार आपको पता ही है फ्रेंड्स, वैसे किसको भूख होती, 4:15 बजे हो सकती है किसी को भूख, पर चलो शगुन का कुछ ना कुछ खाना पड़ता है तो बस वही खाने में बैठ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी फैनी ले रखी है, बस उसी को ही मैं खा रही हूँ, बस तो 2-3 निवाले खाए मैंने शगुन के और बस अब मैं चल पड़ी। तो चलिए भाई फ्रेंड्स, अब फैनी फूनी का सब कुछ का हो चुका है मेरा और अब अपने बाल तो खोल देती हूँ मैं ना, क्योंकि बिल्कुल गीले हैं वरना फिर मेरे को हेडेक हो जाएगा ना। बाकी काम मैं बाद में करूँगी जब सुबह धूप गया लगेगी, अभी तो ऐसा कुछ करने वाली मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर जाके सब कुछ काम करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मेहंदी लगा रखी है, ये देखिए, तो मैंने रात को ही मेहंदी लगा ली थी, उसकी वीडियो भी मैंने थोड़ी सी शूट कर रखी है, मतलब मैंने मेहंदी लगाने की वीडियो ना, हालांकि वो एक दिन पहले की है बट मैं वो भी इस वीडियो में ऐड करूँगी। तो एक ही हाथ में लगा रखी है मैंने, एक हाथ में आज ही लगाऊँगी। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो भाई फ्रेंड्स अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, अब देखिए नहा तो मैं सुबह गई थी 4 बजे ना, तो अब कहती हूँ मैं रेडी। तो मैंने 2 आउटफिट अपने लिए बनवा रखे हैं, ठीक है। एक है साड़ी और ये देखिए ये मेरी साड़ी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और फ्रेंड्स ये मेरा सूट है। तो अभी डालूंगी मैं साड़ी को और शाम के टाइम जब मैं फास्ट को खोलूंगी, मतलब अपना मैं व्रत खोलूंगी, उस टाइम मैं सूट डाल लूँगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से साड़ी को पहन लेते हैं, ओके। सो भाई फ्रेंड्स फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने डाल रखी है आज परांदी, ये देखिए। और दिक्कत ये हो गई है कि हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, साईं के पापा जा रहे हैं नहाने के लिए, अजय हाय हाय, और मैं फुली रेडी हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ी देर के बाद जो है स्वागी ग्रह हम लोगों ने मंच लेनी है, क्योंकि हमारे जब सूरज जाने वाला था ना उससे पहले कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं सुहागी की थाली बनाने आ गई हूँ बिकॉज 4 बजने वाले हैं ना, तो मुझे मनशाओ करना है जितनी भी मैंने सुहागियाँ ले रखी है। और मैं बैठ रही थी ऐसे ही तो मेरे हस्बैंड जी को आ गई, मेरे पति देव जी को मेरे ऊपर दया, उन्होंने बोला बोलते गद्दी ले ले बैठने के लिए। तो साईं के पापा यहाँ पर खाना खा रहे हैं, साथ में साईं को भी खिला रहे हैं। और मेरी जो है वो 2 जेठानियाँ हैं, तो मैं 2 सुहागियाँ लेती हूँ उनके लिए ना, तो बस। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सुहागी ले ली है और अब जो है सूरज जाने वाला है ना, तो उससे पहले जो है मैं मनशाओं कर लूँगी सब चीज़ों का ना, मतलब सूरज को अर्घ दे देंगे हम, पानी दे देंगे, ठीक है। वही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सूरज देवता को जो है वो अर्घ देने के लिए आ गई थी, बट मेरे से ना धूप नहीं जल रहा था तो मेरे पति देव जी ने खुद मेरे को जला दिया। और ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं सुहागी ले आई हूँ और साथ में पानी भी है, तो मतलब मुझे ये जो सुहागी है ना फ्रेंड्स इसी को ही हम लोग ना सूर्यदेव को अर्घ चढ़ा के धूप दे के इसका मनशाओ कर देते हैं, सुहागी का जो भी हमने सुहागिनों को देना होता है। और साथ में जो है एक कलश भर रखा होता है जिसमें हमने ना
मतलब गेहूं डाल रखा होता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सूर्य देवता जी को जल चढ़ा दिया, क्योंकि फिर ना सूरज ना वो अस्त होने वाला था, तो उससे पहले ही हमें सब कुछ करना होता है। और अब फटाफट से हम आ गए थे नीचे, क्योंकि मेरे को मार्केट में ऊपर जाना पड़ा, नीचे धूप नहीं आती रूम के पास इस टाइम तक ना हमारे। तो बस अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ के लिए। और मैंने फटाफट से दौड़ थी लगाई, क्योंकि सब लोग देख रहे थे और मेरे को शर्म भी आ रही है। और यहाँ पर मैं अब आ गई फ्रेंड्स कथा पढ़ने के लिए। तो बस फटाफट से जब भी मैं कथा पढ़ती हूँ ना, तो जो मेरा शादी का जोड़ा है, जो चुन्नी मेरे को उस टाइम ओढ़ी गई थी, वही मैं लेती हूँ सिर के ऊपर। तो वो मैंने रख दी है, किताब भी रख ली, और अब जो है मैंने धूप भी ले लिया हुआ है। तो नंगे सिर हमारे कोई भी काम करते नहीं है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मेरी जो शादी की चुन्नी है वो मैंने अपने सिर के ऊपर चढ़ा ली है। तो यही मेरी शादी की चुन्नी थी, कैसी आप लोग ज़रूर बताइएगा। साई भी मेरे मुँह के पास आ गया, बोलते मम्मा मुझे भी दे दो। तो बस फटाफट से मैं बठिया बना रही थी मैं तो ना धूप देने के लिए। तो ये देखिए मैंने धूप जला दिया, क्योंकि आपको पता है जब पूजा करनी है तो धूप तो होना ही चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। तो भाई फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कथा पढ़ के जो है फिनिश हो चुकी थी। वैसे भी आपको पता है करवा चौथ की छोटी सी कथा है। तो बस अब मैंने जो है जो मतलब मेरी पूजा की थाली थी उसको जो है पूजा घर में रख दिया है। भाई फ्रेंड्स, फाइनली मैं कथा पढ़ के भी होगी हूँ फारिग। यहाँ तो कुछ बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है क्वार्टर में इस बार का करवा चौथ है। मैं घर जाना चाह रही थी, बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था, और फिर मेन रीज़न ये भी था कि हमारी साईं बीमार है। तो इसको मैंने आपको बताया था ना कि इसको तो मम्स जो होते नहीं है गले में, तो वो आपको पता कि वो होते हैं लाग वाले। तो डॉक्टर ने बोला कि भी मतलब इसको मतलब बच्चों के बीच में ना ले जाए आप। तो हमारी है फ्रेंड्स जॉइंट फैमिली, ससुराल में ना जॉइंट फैमिली है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ना, है तो साढ़े से बड़े पर इतने बड़े नहीं है वो ना। तो मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं कहा उनको इसकी वजह से कोई दिक्कत आ जाए। तो इसी रीज़न यही कारण था कि मतलब हमने करवा चौथ के लिए, मैं मतलब करवा चौथ के लिए जो ससुराल नहीं गई। खैर एक दो दिन के बाद जाऊँगी, तो मतलब अच्छा लगना था अगर मैं अपनी जेठानी के साथ मनाती ना, क्योंकि फिर ज़्यादा मज़ा आता है। बट वो नहीं है, तो मैंने बहुत मिस किया अपनी जेठानियों को। खैर नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊंगी। तो क्वार्टर में पहली बात ये थी कि आज सुबह से लेकर लाइट नहीं है, 9 बजे लाइट चली गई है। तो अब आइए जाके आप मतलब हर चीज़ में बताना चाहती थी कि किस तरह से हम लोग तैयार हुए और क्या ना होते, किस तरह से हम लोगों ने हर चीज़ की, वो नहीं बता पाई मैं, क्योंकि अंधेरा था अंदर ना, तो फिर बता आ ही नहीं रहा था कुछ भी नहीं। तो जितना भी है वो आपके लिए सब कुछ पेश कर रही हूँ मैं, तो आप थोड़ी बहुत मिस्टेक तो रहने देंगे मेरी। तब कथा खुल के मैं फारिग हो चुकी हूँ। अब शाम को व्रत खोलना है, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं होना है, क्योंकि अब रात को व्रत खुलेगा और उसके बाद जो है प्रसाद बांटा जाएगा और हमारा व्रत कंप्लीट। ठीक, तो भाई फ्रेंड्स, इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 8 बजे का टाइम है और मैं खाना बना के हो चुकी हूँ रेडी। तो मैंने ये देखी अभी पुराने कपड़े डाल रखे हैं, मैंने साड़ी खोल दी थी क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को खाना बनाने में। तो फिर मैंने कहा साड़ी ख़राब हो जाएगी, चलिए मैं कस्टमर का खाना बना लेती, इसलिए मैंने पुराने कपड़े डाल दिए। अब डालने जा रही हूँ मैं सूट, बिकॉज मैंने शाम को व्रत खोलने के लिए ना सूट डालना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस कलर का सूट लिया हुआ, पीच कलर है ये देखिए। शाम थोड़ा अजीब आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा कलर है वैसे। तो चलिए अब चेंज कर लेते हैं शाम के लिए। और मैं आपको बता देती कि आज मेरे किचन में क्या क्या बना है। तो आज मेरे किचन में बना है फ्रेंड्स मटर पनीर की मैंने बनाई है सब्जी, साथ में मैंने मलका की दाल बनाई है क्योंकि साईं को जो है दाल खानी है। तो आपको पता ही है बच्चे यार सब्जी कमी पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने साथ में दाल भी बना दी है। और मीठे में मैंने बनाई है सेवियाँ और साथ में बनाए हैं मैंने चावल, ठीक है। और राई तो मैं देखूंगी अगर बनानी होगी तो बना लूँगी इसके बाद। ये देखिए फ्रेंड्स मैं सब किचन में हूँ अपने। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ की तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दाल बना दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने चावल लगा रखे हैं, राइट। यहाँ पर ये देखिए मेरी सेवियाँ बनी है, राइट। और यहाँ पर मेरी सब्जी। तो ये सब कुछ आज मेरे किचन में बना हुआ है, तो आप सभी लोग इनवाइटेड है भाई, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको पहले चेंज कर देती हूँ, फिर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। सो भाई फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपना सूट कर लिया हुआ है चेंज, और फ्रेंड्स ये है मेरा दूसरा सूट जो मैंने मतलब सूट बनवाया आपने लिए, क्योंकि मैंने एक साड़ी बनाई थी और एक सूट बनाया था। तो अब शाम के टाइम के लिए व्रत खोलने के लिए मैंने सोचा था मैं कंफर्टेबल से कपड़े डालूंगी, तो मैंने ये वाला सूट बनाया था। आप लोग बताइएगा कैसा है। तो चलिए फटाफट से ना जितने में चांद निकलता है उतनी देर तक मैं
प्रसाद गिरा बना लेती हूँ, और साथ में मेरे पानी भी आया हुआ है तो पानी भी भरना पड़ेगा। भाई फ्रेंड्स, अभी 8:30 बजे का टाइम है और मैंने अपनी थाली जो है वो निकाल ली है, ये देखिए। तो अब फटाफट से जो है प्रसाद बना लेती हूँ मैं, व्रत खोलने के लिए, उसमें चांद भी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई फ्रेंड्स, अभी 8:40 का टाइम है और हमारा ये चांद आ चुका है। सो चलिए फटाफट से पूजा करते हैं। मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है। तो भाई फ्रेंड्स, ये है मेरी पूजा की थाली, ये है मेरी छाननी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बाहर जा रही हूँ व्रत खोलने के लिए और मेरे हस्बैंड जी, मेरे पतिदेव जी मेरी वीडियो बना रहे हैं इस टाइम। देखो, ऐसे पति किसी को मिल सकते हैं? तो आई लव माय हस्बैंड वेरी मच। और यहाँ पर मैंने अपने नेबर को बोल दिया था, मैं कहा आप हमारी वीडियो बना दो, और मैं यहाँ पर जो है व्रत खोल रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे चांद की पूजा की जाती है और उसके बाद अपने पति की पूजा की जाती है। मतलब हम लोग इस तरह से फ्रेंड्स व्रत को खोलते हैं। तो अब मैंने थाली रख दी थी नीचे और अब मैं दिया ले रही, दिए के साथ मैंने पहले चांद को देखना है और फिर मैं अपने पति देव को देख लूँगी। और मतलब इस तरह से हमारे 3 बार किया जाता है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मैं तभी इसको थोड़ा सा लंबा सा बताया ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग किस तरह से खोलते हैं। सबके अलग अलग ढंग से खोलते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। तो मतलब मैं तो आपको अपना बता रही हूँ कि हम लोग किस तरह से खोलते हैं, आप लोग किस तरह से खोलते हैं, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं अब व्रत खोल के फारिगी हो रही हूँ और ये मेरा लास्ट फेरा है, तीसरा फेरा, ये देखिए। और यहाँ पर कुछ आ भी गया था मेरे पैर के नीचे, तो मैंने फिर से लास्ट बार चांद को देखा और अपने हस्बैंड जी को देखा। इसके बाद मैंने दिया नीचे रख दिया हुआ है। तो ये 4 बजे से लेकर दिया जल रहा होता है, जब हम सुहागी मनशावा करते हैं ना, तब से लेकर ये दिया जल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने अपनी थाली उठा ली थी, क्योंकि अब जो है चांद को हमने पानी देना था। तो सबसे पहले चांद देवता को मैंने जो है पानी चढ़ाया, तो 3 बार किया था मैंने ये भी। और इसके बाद मैंने थाली रख दी नीचे और अब जो है मैं लोटा उठा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास के लिए, ताकि वो मुझे पानी पिला सके, क्योंकि पूरे दिन से लेकर मैं इसमें थी। तो आपको पता है कि ये व्रत जो है पानी पी के ही टूटता है। तो मेरे पति देव ने मेरे को पानी पिलाया और उसके बाद मैंने उनसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद लिया। फिर हम लोग गले मिले और यहाँ पर फ़ोटो शूट हुआ। इसके बाद जो है जो जटा नारियल रखा जाता है ना फ्रेंड्स, देखो थाली में, अब उसको हमारे ना दरवाजे पे फाड़ देते हैं और वो पति के द्वारा ही होता है। तो इसका पानी उन्होंने निकाल दिया हुआ है, क्योंकि जो इसका फाड़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो इसका मतलब जटा नारियल के अंदर का जो नारियल होता है ना, वो भी प्रसाद के रूप में चढ़ता है और सब सुहागनों को बांटता जाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आप हमारे ब्लॉग में क्या क्या देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अब कर लेते हैं डिनर, क्योंकि सब कुछ हो चुका है हमारे। तो एक बार फिर से आपको मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहे आप लोग और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।